बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप लोग सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ ज़ारा अली और आप देख रहे हैं मेरा चैनल सीजनल फूड। तो फ्रेंड्स, मैं हाजिर हुई हूँ यहाँ पर एक और मज़ेदार रेसिपी लेकर, जो कि है आम, कच्चे आम की मज़ेदार खट्टी मीठी चटनी की रेसिपी। तो फ्रेंड्स, आप देख रहे होंगे यहाँ पर दो तरह के मैंने कच्चे आम लिए हुए हैं। ये मैंने थोड़े दिन पहले ले लिए थे तो ये पक गए हैं थोड़े से, और ये मैंने फिर मंगवा लिए थे, और मैंने ये वहाँ से कटवा के मंगवाए थे ताकि मुझे गुठली का इशू ना हो, क्योंकि ये वाली जो है गुठली थोड़ी सी अंदर से पक चुकी है इसकी। तो फ्रेंड्स, आप जब भी लें आम तो कटवा लिया करें, क्योंकि बाद में फिर ये अंदर से पके हुए निकल आते हैं। तो अब हमने क्या करना है, इसकी तो मैंने कटिंग कर ली है, तो इसकी भी हम कटिंग कर लेंगे फ्रेंड्स जल्दी से। ये देखिए, इसकी हम स्लाइसिस में कटिंग कर लेंगे फ्रेंड्स। ये देखिए, मैंने यहाँ पर इसकी कटिंग कर ली है। देखिए, बहुत कम इसका गूदा निकला है, क्योंकि इसकी गुठलियाँ सब जो है वो इस वक्त गूदे से भरी हुई है। देखिए, तो यहाँ पर मैं ये गुठलियाँ भी इसमें शामिल कर लूँगी। तो अब हम चलते हैं अपनी कढ़ाई की तरफ, फिर बताते हैं इसको हमने किस तरह से तैयार करना है। यहाँ पर मैंने कढ़ाई में ऑयल डाल लिया है। देखिए, मैंने यहाँ पर तकरीबन 3 से 4 चम्मच ऑयल डाला है, ठीक है। तो इसके साथ ही हम यहाँ पर शामिल कर लेंगे। यहाँ पर मैंने ले लिया है 1 टीस्पून सौंफ, 1/2 टीस्पून कलौंजी, और एक मैंने यहाँ पर सुर्ख मिर्च जो होती है सूखी हुई, वो मैंने लेकर अच्छे से कटिंग कर ली है। ये हम इसमें शामिल कर देंगे, उनको हम थोड़ा सा भून लेंगे। तो मसाला थोड़ा सा मेरा यहाँ भून गया है, और यहाँ पर मैं कुछ लहसुन की 3 से 4 जगह के मैंने 2-2 कर लिए हैं, वो भी इसमें मैं ऐड कर दूँगी। थोड़ा सा इसको भूनूंगी। यहाँ पर सभी चीज़ें मेरी भून गई हैं अच्छे से। मैं अब इसमें यहाँ पर ये जो मैंने आम काटे हुए लिए थे ऐड कर दूँगी इसमें। फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने तकरीबन 1 kg के करीब लिए हैं ये मैंगो, क्योंकि अब जो गुठली की पल्प इतना नहीं निकला, दूसरे वाले जो मैंने शामिल किए हैं वो तकरीबन इन्हें मिलाकर 1 किलो के करीब करीब हो गए हैं। ये तरह से भून लें उसको, बहुत ही जल्दी बहुत ही झटपट से तैयार हो जाती है और बहुत ही मज़ेदार लगती है खाने में। जरूर ट्राई कीजिएगा। बस इसको हम भून लेंगे थोड़ा सा। तो फ्रेंड्स, ये देखिए बहुत ही अच्छे तरीके से इसको मैंने भून लिया है। अब मैं साथ ही यहाँ पर चीनी ऐड कर दूँगी, जो कि मैंने यहाँ पर ले ली है 500 ग्राम, और यहाँ पर मैं इसके साथ ही शक्कर भी ऐड कर दूँगी तकरीबन, ये भी मैंने ले ली है 500 ग्राम। तो हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। हल्के हल्के से खुद ही सॉफ्ट होना शुरू हो जाएगी चीनी और ये शक्कर जो मैंने इसमें डाली है। आप चाहे तो सिर्फ गुड़ भी डाल सकते हैं और शक्कर में भी बना सकते हैं इसको, इसका कोई इतना बड़ा इश्यू नहीं है। लेकिन इससे ये होगा कि अगर आप शक्कर और चीनी दोनों ऐड करेंगे तो इसका टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। तो फ्रेंड्स, ये देख सकते हैं आप, मैंने इसमें चीनी और शक्कर दोनों ही डाल दिए थे, बहुत ही अच्छे से मेल्ट हो गई हैं ये देखें, अच्छा सा इनका शीरा सा बन गया है। तो यहाँ पर मैंने 1 टीस्पून के करीब कुटी लाल मिर्च ले ली है, वो भी मैं यहाँ शामिल कर दूँगी इसमें, और नमक इसमें हम हसबे जायका शामिल करेंगे। तकरीबन मैंने 1 टीस्पून के करीब ही इसमें नमक भी ऐड कर दिया है। इसको हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे, क्योंकि ये खट्टी मीठी चटनी बन रही है तो इसमें स्पाइसेस का बहुत ध्यान रखिएगा, बहुत ज़्यादा भी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि फिर खाने में थोड़ा सा बहुत ज़्यादा स्पाइसी लगता है ये। अब इसमें यहाँ पर मैं थोड़ा सा पानी शामिल कर दूँगी, तकरीबन 1/2 कप के करीब पानी शामिल कर दिया मैंने इसमें। इसको अच्छी तरह से पकने देंगे ताकि हमारे ये जो आम कच्चे हैं ये अच्छे से गल जाएँ, गुठलियाँ भी थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाएँ। तो अब इसको हम अच्छी तरह से पका लेंगे। यहाँ पर मैं इसको तकरीबन थोड़ी देर के लिए कवर करके रखती हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये बहुत ही अच्छे तरीके से पक गई है, और ये देखिए हमारे आम भी अच्छे से कच्चे जो थे वो गल चुके हैं बिल्कुल। इसकी कंसिस्टेंसी भी आप देख लें, ये देखिए ठंडी होकर थोड़ी सी और थिक हो जाएगी। तो यहाँ पर मैं फ्लेम को कर देती हूँ ऑफ। ये देखिए बहुत ही मज़ेदार सी चटनी बनी है, ये देखिए बहुत ही ज़बरदस्त और खाने में भी बहुत लाजवाब। आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा मेरे बताए हुए मेथड से। अब हम इसको ठंडा करके डिश आउट कर लेंगे। जी फ्रेंड्स, देख सकते हैं आप, ये मज़ेदार आम की खट्टी मीठी चटनी है बनकर बिल्कुल तैयार, और आप देख सकते हैं ये इंजॉय करने के लिए बिल्कुल रेडी है, और मैं तो इसको करने लगी हूँ इंजॉय।
तो फ्रेंड्स अगर आपको भी इंजॉय करनी है तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मेरे बताए हुए मेथड से बहुत ही मज़ेदार सी चटनी बनती है। तो फ्रेंड्स अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें फ्रेंड एंड फैमिली के साथ, और चैनल को मेरे सब्सक्राइब कर लें और बेल के आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि मेरी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बिल्कुल बआसानी फ्री में मिलता रहे देखने को। तो फ्रेंड्स मुझे दीजिए इजाज़त, इसी तरह की एक और मज़ेदार रेसिपी में मिलती हूँ आपसे। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।